30 सितंबर 2022 को रिलीज होने जा रही फिल्म PS1, जिसमें चोल साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास को दिखाया जाने वाला है। PS1 फिल्म की कहानी कल्कि द्वारा लिखित एक नॉवेल पोनियन सेल्वन पर आधारित है, लेकिन क्या आप जानते हैं चोल साम्राज्य का गौरवशाली असली जो इतिहास है वो क्या है? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। चोल साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। चोल साम्राज्य ने दक्षिण भारत और पास के अन्य देशों में 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत ही शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। चोल साम्राज्य का अस्तित्व 300 ईसा पूर्व से पहले से रहा था, जो कि 1279 तक चला। इस बीच चोल साम्राज्य में कई महान सम्राटों ने शासन किया। चोल साम्राज्य की प्रमुख भाषा तमिल और संस्कृत थी। और अगर बात करें चोल साम्राज्य के शासकों की, तो चोलों का उल्लेख प्राचीन भारत के समय से ही मिलता है, जहाँ अशोक के कई अभिलेखों में इनका उल्लेख मिलता है। इन्होंने संगम युग में पहली बार दक्षिण भारतीय इतिहास को प्रभावित किया था। संगम काल में चोल सम्राटों में करिकल को सर्वाधिक प्रसिद्ध माना गया। इनके पश्चात चोलों का इतिहास अज्ञात है। फिर भी चोल एकदम से समाप्त नहीं हुई थी। इनकी जो परंपरा है ये आगे चलती आ रही थी और ये पल्लव, पांड्य और प्रतिहार जैसे कुछ वंशों के अधीन होकर शासन कर रहे थे। इसी कारण से चोल साम्राज्य की स्थापना का काल 300 ईसा पूर्व का मिलता है। लेकिन चोल साम्राज्य का जो असली उदय था वो 9वीं शताब्दी में विजयालय चोल के द्वारा किया गया। विजयालय चोल के शासन का आरंभ पल्लव के अधीनता में उरायूर के प्रदेश में हुआ था। आगे चलकर इन्हीं के वंश में 20 महान राजा हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 400 से अधिक वर्षों तक शासन किया। विजयालय चोल के पश्चात आदित्य प्रथम शासक बने। इनके पश्चात परांतक प्रथम शासक बने। परांतक प्रथम ने पांड्य सिंहल नरेशों की सम्मिलित शक्ति को, पल्लवों, वाणों एवं राष्ट्रकूट की कृष्ण द्वितीय को पराजित किया। चोल शक्ति एवं साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक परांतक को ही माना जाता है। परांतक प्रथम के बाद अगले 32 वर्षों तक चोल साम्राज्य में अनेक राजाओं ने शासन किया। उनमें से एक सुंदर चोल भी थे, जिन्हें परांतक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। परांतक प्रथम के बाद चोल साम्राज्य में जो अगले जो शासक हुए, जिन्होंने चोल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाए हुए थे, राजा राजचोल जिन्होंने चोल वंश की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अनेक विजयों द्वारा वंश की मर्यादा को पुनः प्रतिष्ठित किया और स्थापित किया। उन्होंने पश्चिमी गंगों को पराजित किया और उनके प्रदेश को जीत लिया। राजा राजचोल को दक्षिण में भी विजय मिली। उन्होंने केरल नरेश को पराजित किया। इसके अलावा उन्होंने पांड्या और मदुरा को भी अपने अधिकार में ले लिया। और इसके अलावा राजा राजचोल ने सिंहल पर भी आक्रमण करके उनके उत्तरी प्रदेशों को अपने राज्य में मिला लिया। राजा राजचोल ने चालुक्यों को पराजित किया और इस प्रकार राजा राजचोल के शासनकाल में चोल साम्राज्य की प्रतिष्ठा और साम्राज्य की सीमा दोनों में वृद्धि हुई। PS1 फिल्म में जयम रवि अरुणमोली वर्मन का किरदार निभा रहे हैं, जो कि आगे चलकर ही राजा राजचोल के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए थे। राजेंद्र प्रथम राजा राजचोल के शासन के पश्चात उनके पुत्र राजेंद्र चोल का शासनकाल आरंभ हुआ। राजेंद्र चोल भी अत्यंत शक्तिशाली सम्राट थे। राजेंद्र चोल को चोल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक माना जाता है। राजेंद्र प्रथम ने पांड्य और सिंहल जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने पश्चिमी चालुक्यों को कई युद्धों में पराजित किया, उनकी राजधानी को ध्वस्त कर दिया। राजेंद्र चोल के जो दो सैनिक अभियान है वो इतिहास में बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध हैं, जहाँ उनका पहला सैन्य अभियान जो अत्यंत उल्लेखनीय है वो है जब उन्होंने अपना प्रथम सैन्य अभियान पूरी समुद्र तट से कलिंग, उड़ीसा और दक्षिण कोसल आदि राजाओं को पराजित करते हुए वो बंगाल के विरुद्ध हुआ। उन्होंने बंगाल के राजाओं को पराजित किया और उनके साथ ही साथ उन्होंने पाल राजा महिपाल को भी पराजित किया। इस अभियान का कारण अभिलेखों के अनुसार गंगा जल प्राप्त करना था। यह भी कहा जाता है कि पराजित राजाओं को यह जल अपने सिरों पर ढोना पड़ा था। और इसके अलावा राजेंद्र चोल का दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण मलयदीप, जावा और सुमात्रा के शैलेंद्र शासक के विरुद्ध हुआ था। राजेंद्र चोल का यह आक्रमण भी सफल रहा और वे विजय हुए। इसी कारण से आज भी हमें दक्षिण एशियाई देशों में चोल साम्राज्य के समय बनी हुई मंदिर और वास्तुकला का जो प्रतीक है वो चिन्ह आज भी देखने को मिलते रहते हैं। राजेंद्र चोल को चोल वंश का सबसे महान शक्तिशाली शासक माना जाता है। उन्होंने अपनी महान विजय द्वारा चोल साम्राज्य का विस्तार करके उसे दक्षिण भारत का सर्वशक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। चोल साम्राज्य है वो अपने नौ सैनिक अभियानों के लिए, अपने नौ सेना के लिए इतिहास में बहुत अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि चोल साम्राज्य के समय में जो उनकी नौ सेना थी और उनकी जो नौ सैनिक शक्ति थी वो बहुत ही अधिक शक्तिशाली थी। इसी कारण से उन्होंने दक्षिण एशियाई सभी बड़े बड़े देशों में कब्जा कर लिया था और उन्हें जीत लिया था। तो चोल साम्राज्य में जो नौ सेना था उसको शक्तिशाली राजा राजचोल के समय में ही बनाना शुरू कर दिया था। राजा राजचोल ने सिंहल पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया था, जो कि वर्तमान काल में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। तो राजा राजचोल को ही पोनियन सेल्वन कहा जाता है, जिस पर जो PS1 है वो फिल्म बनने वाली है। पोनियन सेल्वन का अर्थ होता है पोनी का बेटा, क्योंकि कावेरी नदी को जो है तमिलनाडु में पोनी के नाम से जाना जाता है। इसी क्योंकि कहा जाता है कि राजा राजचोल को जो है 5 वर्ष की आयु में डूबते डूबते कावेरी माता ने ही बचाया था। तो राजा राजचोल के समय में ही जो है
चोल साम्राज्य की जो नौसैनिक शक्ति थी वो अत्यंत शक्तिशाली हो गई थी और उसको बहुत अधिक विस्तार कर लिया गया था। लेकिन राजा राज चोल के शासनकाल के पश्चात जब उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम जो शासक बने, यहाँ राजेंद्र चोल ने चोल साम्राज्य की नौसेना की शक्ति को और अधिक बढ़ाया और राजेंद्र चोल ने अपनी नौसैनिक शक्ति की सहायता से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जहाँ राजेंद्र प्रथम के नेतृत्व में चोल साम्राज्य ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने राज्य का क्षेत्र का विस्तार किया, जिनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, दक्षिणी थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल थे। मध्य युग के समय कई तमिल कवियों ने अपनी कविताओं में राजेंद्र प्रथम के सफल आक्रमणों का गुणगान किया है। उत्तर भारत में गंगा नदी तथा मलेशिया तक अपना शासन स्थापित करने वाले राजेंद्र चोल को गंगईकोंड के नाम से जाना जाता है। भारत के इतिहास में चोल साम्राज्य से पहले और राजेंद्र चोल से पहले जो इतनी बड़ी नौसेना का निर्माण किसी शासक द्वारा नहीं किया गया था। तो भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली नौसेना में से एक थी चोल साम्राज्य की नौसेना। चोल साम्राज्य के शासकों द्वारा जितने भी दक्षिण एशियाई द्वीपों पर हमले किए गए वो सभी नौसैनिक हमले ही थे। उस समय इतनी बड़ी विशाल नौसेना का निर्माण करना ही अपने आप में एक विशेष बात थी। फिर भी भारत के इतिहास में 1500 वर्षों तक शासन करने वाली चोल साम्राज्य के इतिहास को छुपा दिया जाता है और हमें कहीं पढ़ाया नहीं जाता हमें उसके बारे में। लेकिन पोनियन सेल्वन यानी PS1 जो फिल्म आने वाली है उसमें जो है राजा राज चोल के इतिहास को ही दिखाया जाएगा, उनके पुत्र राजेंद्र चोल के इतिहास को नहीं दिखाया जाएगा। अगर राजेंद्र चोल के इतिहास को भी उसमें दिखाया जाता तो चोल साम्राज्य के गौरव गाथा को और भी बढ़ा के दिखाया जा सकता है, क्योंकि राजेंद्र चोल ने अपने शासनकाल के समय में जो है चोल साम्राज्य के विस्तार को और चोल साम्राज्य की गौरव प्रतिमा को अत्यंत ही चरमोत्कर्ष पर पहुँचा दिया था। हमारे भारतीय इतिहास में ऐसे ऐसे महान योद्धा, ऐसे ऐसे महान वीर वीरांगनाएं हुई हैं जिनके इतिहास को अगर हम पढ़ने जाएं, अगर उन पर फिल्म बनाने जाएं तो ऐसे ऐसे फिल्म बनेंगे, RRR जैसे और बाहुबली जैसे कई हज़ारों फिल्म बन जाएंगी। लेकिन जो हमारे जो ये जो आज के फिल्मकार हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, वो जो है अपनी फालतू गिरी को चलाते रहते हैं, प्रोपोगेंडा को फैलाते रहते हैं। तो ऐसी PS1 जैसी फिल्में और बननी चाहिए और राजेंद्र चोल पर भी एक फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि इनकी जो गौरव गाथा है, इनके जो गौरवशाली इतिहास है, इनको भी जो है बड़े पर्दे पे दिखाना चाहिए। ये भी जो है हमारे भारतीय जो युवा हैं उनके सामने आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो वीर योद्धा थे वो कितने महान थे, उन्होंने क्या क्या किया। क्योंकि हमें जो है इतिहास में हमारे सिर्फ हारे हुए युद्धों को ही पढ़ाया जाता है, ऐसे बताया जाता है कि जैसे हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो तो सिर्फ हारते ही आ रहे थे। तो ये बदलाव आवश्यक है। तो आप किसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रकार चोल साम्राज्य का अस्तित्व 300 ईसा पूर्व से 1279 यानी 1500 साल तक रहा। चोल साम्राज्य में इनके अलावा और कई महान सम्राट और शासक हुए, लेकिन वीडियो को भी लंबी हो जा रही है, इसी कारण इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। और तो इस प्रकार से चोल साम्राज्य का अस्तित्व 300 ईसा पूर्व से 1279 तक रहा, अर्थात चोल साम्राज्य ने भारत में कुल 1500 वर्षों तक शासन किया।